दोस्तों क्या आपके पास भी सैमसंग का टीवी है जो शुरू ही नहीं हो रहा? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑफकोर्स बहुत बढ़िया ही होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपका, अगर सैमसंग का टीवी शुरू नहीं हो रहा है तो उसे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं और उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो बेसिक से शुरू करते हैं। पहला क्या कीजिए, अपना रिमोट लीजिए और उस पर होम या फिर मेन्यू बटन जो है उस पर प्रेस कीजिए, शुरू होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपका जो पावर का केबल है टीवी का, उसे अनप्लग कीजिए और फिर से प्लग इन कर दीजिए, उससे तो शुरू होना ही चाहिए। नहीं हुआ फिर भी तो भी चेक कीजिए सारे कनेक्शंस ठीक है क्या, सेटअप बॉक्स के, टीवी के, प्लग वगैरह सारे कनेक्शंस ठीक है क्या। नहीं ठीक है सारे कनेक्शंस तो फिर देखिए कोई वायर ऐसी बेंट, शार्पली बेंट हो गई होगी या फिर ऐसे एकदम मुड़ गई होगी या फिर ऐसा क्रॉस कनेक्शन में किधर तो उसे टूट गया होगा, डैमेज हो गया होगा ना, तभी भी शुरू नहीं होता है। तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा अगर हुआ है तो, और फिर वायर ठीक कर दीजिए। खराब हो गई होगी तो दूसरी रिप्लेस कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, टीवी हो जाएगा शुरू। अगर कुछ भी करने से शुरू नहीं हो रहा है तो एक बार फाइनल चेक कर दीजिए कि सेटअप बॉक्स ठीक है क्या नहीं, उसके कनेक्शन देखिए उसका सब कुछ ठीक है, रिचार्ज वगैरह हो गया है या नहीं वो सब चेक कीजिए। वो भी ठीक है तो शायद डिस्प्ले में कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, बहुत कम केसेस होते हैं उसके, पर कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कीजिए और वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो, मदद हो गई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत मस्त चीज़ें करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।